हेलो फ्रेंड्स, एक पुरुष के जननांगों में पेनिस, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, सीमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड को शामिल किया गया है। एक व्यक्ति जब यौवन अवस्था में प्रवेश करता है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मदद से टेस्टिस यानी वृषण में शुक्राणुओं का उत्पादन शुरू होता है। टेस्टिस में छोटी छोटी नलियों का एक सिस्टम होता है जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहा जाता है। इसमें जर्म सेल्स पाई जाती है जो टेस्टोस्टेरोन की मदद से शुक्राणु में बदलती है। जर्म कोशिकाओं में कई परिवर्तन होते हैं, उसके बाद यह एक सिर और पूंछ वाले टेडपोल के समान बन जाते हैं। इसके बाद यह टेस्टिस से जुड़ी ट्यूब, जिसे एपिडिडाइमिस कहा जाता है, में पूंछ की गति से पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इसका विकास और स्टोरेज होता है और जब आवश्यकता पड़ती है तो यहीं से इसको रिलीज किया जाता है। जब एक आदमी को यौन क्रिया के लिए प्रेरित किया जाता है तो शुक्राणुओं को सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड द्वारा उत्पादित एक सफ़ेद तरल पदार्थ सीमाइनल फ्लूड के साथ मिश्रित कर दिया जाता है। उत्तेजना के फलस्वरूप वीर्य, जिसमें कई मिलियन शुक्राणु होते हैं, लिंग के बाहर निकाल दिया जाता है। और यह थी शुक्राणु के उत्पादन की प्रोसेस। थैंक यू।